शांत रहिए, बोल रहे हैं जी, थोड़ा सा माइक नहीं हाँ नहीं, आप तो जानते ही हैं कि उनको भी शामिल कर दिया था। जब हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया, और उसके चलते आज तक कभी ऐसा हुआ है बिहार में? आप जानते ही हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता है। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे, इस बार फिर साथ किए तो जो कुछ भी हुआ, हमारे पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने भी, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो रह रहे थे, लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं चाहिए तरफ से हो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, अलग हो गए तो उसी में वो, चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, दे दिए थे। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है, पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे। और उसका उनका ठीक रूप नहीं था, तो दो ही महीना के बाद पार्टी का लोग तो हम शुरू करने वाले, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, तो क्या जानते हैं ना विरोधी दलों की, यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते, गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए, और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया, और वो चूँकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री आज सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है, जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव हुआ करा दिया था, हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है, अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा, मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, वो कभी जाके अमित शाह।